पुलिस के द्वारा नकली नोट छापने वाले गिरोह की बड़ी कार्रवाई कर उनके पास से 2.5 लाख रुपए के नकली नोट एवं नोट छापने के संसाधन बरामद किए। इस सिलसिले में नवल सिंह पुत्र रोड सिंह जाटव, सोनू पुत्र मुन्ना लाल जाटव, मुंशी लाल पुत्र रामकिशन कुशवा, लाखन पुत्र श्रीलाल कुशवा, जगभान पुत्र बलबीर यादव, जयपाल पुत्र राजबल यादव, कल्याण सिंह उर्फ कल्लू यादव, अतुल पुत्र भगवत सिंह को गिरफ्तार किया। म्याना पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि नकली नोट बनाने वाले मुख्य आरोपी शिवराज अपने साथियों के साथ निहाल देवी मंदिर पर दर्शन करने आया हुआ है, जिसकी सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। वही पूछताछ में उन्होंने कबूल किया कि उनके द्वारा नकली नोटों की छपाई की जाती है। साथ ही इन लोगों के पास से तकरीबन 2.5 लाख रुपए भी बरामद किए गए। वही नोट छापने में प्रयुक्त में लाया गया प्रिंटर भी इन्होंने जब्त किया। इनके पास से 50, 100, 200 एवं 500 के नकली नोट भी बरामद किए गए। शिवराज कुशवाहा निवासी मावन, भीमसेन निवासी मावन, दीपक निवासी शिवपुरी, गोलू निवासी रावसर, चार आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। इनसे काफ़ी मात्रा में नकली नोट बरामद हुए हैं। शिवराज कुशवाहा जो प्रिंटर मशीन द्वारा नोट छापता था, उसके घर से प्रिंटर मशीन व कुछ बगैर कटिंग किए नोट भी बरामद किए गए। करीब 5-6 लाख रुपए की खपत ये करना बता रहे हैं, लेकिन अभी इनसे इनसे बरामद हुए हैं, काफ़ी मात्रा में बरामद हुए हैं और मार्केट में 5-6 लाख रुपए चलाना बता रहे हैं। प्रिंटर तो हाई क्वालिटी वाला है, कागज़ सामान्य वाला हुआ है।